हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रो गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली में हम लोग देखेंगे कि 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आने वाला वीक जो है यहाँ पे हमको 4 ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं। 8 तारीख को जहाँ पे हॉलीडे रहेगा जो कि गुरु नानक जयंती के अवसर के ऊपर, तो गुरु नानक जयंती की सभी को शुभकामनाएं। हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट कैसे था। तो अगर हम लोग लास्ट वीक देखेंगे तो निफ्टी जो है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा पॉजिटिव था। निफ्टी 331 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 268 पॉइंट। तो यहाँ पे निफ्टी जो है कि ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे लग रहा है। और जैसे कि बैंक निफ्टी में एक डोजी कैंडल आया, तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। उसके पहले देखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है। तो मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा जो कि पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 18,500 एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 18,000 यानी 18,000 का सपोर्ट। ये 18,000 का सपोर्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे बार बार जाने के बाद मार्केट न्यूज हो रहा है, तो ये सपोर्ट नेक्स्ट वीक भी रहेगा। अभी क्या क्या इवेंट्स रहेंगे हम लोग देखेंगे। तो आने वाले वीक में जो इवेंट्स हैं, तो आज जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका जो कि रिजल्ट है और उसका चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में। तो आप आगे तक देखते रहो कि SBI का बारे में मैं आपको कौन से लेवल्स यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। देन फ्राइडे को जैसे कि वीकेंड में IIP डेटा और इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, लेकिन इसका असर जो है कि आने वाले वीक में होगा। अगर हमने देखा होगा तो कल का क्लोजिंग है इंटरनेशनल मार्केट का एक पॉजिटिव है, अपना मार्केट का भी क्लोजिंग पॉजिटिव है। लेकिन क्या इम्पोर्टेंस जो है कि लेवल्स हो गए वहाँ पे हमको ध्यान रखना है और नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करना है, ये हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको अनाउंसमेंट करता हूँ दोस्तों। जैसे कि आने वाले सैटरडे को यानी 12 नवंबर को हमारा एक फ्री वेबिनार आ रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। जैसे आप इसके ऊपर देख रहे हो और ये टैगलाइन देख रहे हो, ओके ट्रेडिंग फॉर लिविंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग फॉर लिविंग जैसे लाइफ आपको जीना है, तो आने वाले सैटरडे को आप मेरे साथ जो है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनो। जिनको भी इसमें इंटरेस्ट रहेगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और मेरे साथ सैटरडे को 2 घंटे जो है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। और 14 तारीख से हमारा एक जो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी लाइव मार्केट में जो है कि टेक्निकल क्लास शुरू हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे साथ लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट को जाके देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो हम लोग निफ्टी का जो है कि वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे मंथली में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मंथ जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन लास्ट मंथ देखेंगे तो लास्ट मंथ काफी स्ट्रांग था। और जैसे कि अगर हम लोग एक कैंडल देखेंगे मंथली का, तो इसका जो हाई है 18,096 और फिलहाल मार्केट जो है कि ये लेवल के ऊपर है। तो मंथली अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली थोड़ा सा हम लोग ए लेवल पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो हम लोग फिर से अभी आते हैं वीकली में। तो वीकली में हम लोग अगर निफ्टी देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है वीक ऑन वीक। और यहाँ पे वीकली में भी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है। एक डोजी कैंडल आने के बाद उसके ऊपर क्लोज देना, यानी पॉजिटिविटी जाता है। अगर नेगेटिव होता तो डोजी के नीचे ये क्लोज होता, तो वीकली में भी यहाँ पे पॉजिटिव है। और हम लोग अभी डेली में देखते हैं निफ्टी को। तो दोस्तों, हम लोग अगर डेली में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी जो है कि जैसे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होना और फिर से ऊपर जाना, ये बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिविटी है। और जैसे कि जो लेवल्स है देखिए कि लेवल को भी रिस्पेक्ट करके जा रहा है। और जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको डेली में कहा था, वो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे नीचे एक बार आया था, उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर हम लोग निफ्टी का जो क्लोजिंग देखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे कि 18,117 इसने जो क्लोजिंग दिया है बहुत ही अच्छा है और 18 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे लेवल दिया था 18,049 और एक लगभग 18,000 के करीब है, तो ये लेवल देखिए कि बहुत बार निफ्टी ने यहाँ पे ट्राई किया कि 18,000 को ऊपर क्लोज होना। एक आध बार यहाँ पे हुआ था उसके आसपास, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे क्लोज दिया है एकदम, जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस क्लोज दिया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हमको क्या देखना, पहले जो लेवल है कि 18,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये 18,000 के नीचे भी क्लोज हुआ तो ज्यादा नेगेटिव नहीं, जब तक कि इसका ट्रेंड चल रहा है। देखिए कि पूरा कंप्लीट अप ट्रेंड है, राइट। अगर नजदीक वाला 18,000 के नीचे क्लोज होता है तो एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे आ सकता है। 17913 दूसरा ये लेवल है, ये भी यहाँ पे स्ट्रांग लेवल है। और 17637 ये जो है कि ये थोड़ा बड़ा वाला लेवल से मार्केट 18,000 के नीचे आने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। और नेक्स्ट जो है ऊपर है, जो कि लेवल से नेक्स्ट अपना 18175, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग आई थी और मार्केट नीचे गया था, तो ये लेवल जब जाएगा तो एक ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट का जो रिजल्ट है 18348, ये लेवल आ सकता है। तो मंडे को आपको ये लेवल देखना है, शायद गैप अप भी हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है, अगर डायरेक्ट मार्केट हाउस में ये चला जाता है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद जो लेवल्स है हम लोग बाद में देख सकते हैं, जैसे कि 18619 जो कि लगभग ऑल टाइम हाई है, तो वहां पे आने के पहले हम लोग नजदीक वाले लेवल हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। ऊपर 18348 के ऊपर राउंड फिगर है, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन चेन में 18,500, ये हमको उसके पहले देखना है। जब भी क्या होगा 18348 का लेवल अगर क्रॉस होगा, बैंक निफ्टी में बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिविटी है। और नजदीक वाला टॉप लॉस 18,000 का हम लोग रख सकते हैं। हम लोग देखेंगे इंट्राडे में, जो कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग ऑलवेज देखते हैं, तो देखें कि जो निफ्टी था पूरे दिन यहाँ पे जो है कि एक कंसोलिडेशन दिया था, बाद में बहुत ही अच्छा एंड ऑफ द डे जो उसने ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट डे पॉजिटिव रहने का। तो पहले जो हाई बनाया था, जो कि फ्राइडे को जो हाई बनाया था, और उसके बाद ये एवरेज में क्लोज हुआ था, तो हाई जो बना था 18135 के ऊपर, अगर मंडे को हमको बाय करना तो ये लेवल के ऊपर आप इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है। नीचे सेलिंग के लिए 18,100 के नीचे अगर आता है तो हम लोग सेल करेंगे। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट यहाँ पे ही ओपन होगा, ऐसे नहीं है, गैप डाउन और गैप अप भी हो सकता है। अगर जब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल पे, जैसे कि एक सपोर्ट लेवल पे होता है और पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो वंस अगेन आपको बाइंग का मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए भी देखो कि जब भी सपोर्ट पे आता है और पॉजिटिव कैंडल्स भी बनता है, या फिर यहाँ पे पहले एक ब्रेकआउट करके जाता है मार्केट एक रेंज को, तो भी आपको ट्रेड मिलता है। तो ये ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हो, मार्केट कहाँ ओपन होगा ये हमारे के ऊपर नहीं है। लेकिन जो लेवल्स है, आप लेवल में देखो कि हमारे कभी भी लेवल्स वर्क करते हैं, तो लेवल पे कोई प्राइजेशन होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। और हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड जो ट्रेड होंगे वो हमको निफ्टी पे देखना है। नहीं जो है कि हम लोग बैंक निफ्टी को मैं आपके बात करूंगा, तो बैंक निफ्टी में देखिए कि डेली में डोजी कैंडल आया, राइट। लेकिन इसमें अगर हम लोग वीकली देखेंगे तो मैं आपको वीकली में बताऊंगा, उसी देखें कि वीकली में जो कैंडल बना है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो हम लोग, मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो ए लेवल से सेलिंग सेल ऑफ आया था, ए लेवल से भी सेल ऑफ आया था। तो जिस लेवल से सेल ऑफ आया था, नेगेटिव कैंडल बने थे, यहाँ पे हैमर बना था, और अभी यहाँ पे डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल बनने का क्या मतलब होता है, अगर ये डोजी कैंडल वीकली बेसिस के ऊपर, मार्केट याद रखे ये वीकली कैंडल देख रहे, तो वीकली बेसिस के ऊपर अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो ये नेगेटिव होगा, और वीकली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर क्लोज देता है तो ये जो अप ट्रेंड है ये बहुत जोर से कंटिन्यूशन हो सकता है। तो ये याद रखना कि डोजी कैंडल आने से हमको कैसे ट्रेड करना है। अभी हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि डेली में, तो डेली में अगर देखेंगे तो डेली में भी यहाँ पे जो है कि डोजी कैंडल आया, और एक रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे, देखो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। जो मैंने आपको पहले लेवल दिए थे क्लियर कट, ये लेवल था, और अगर आपको माने तो पहले ये लेवल था और सेकंड वाला मेजर लेवल ये था। तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है कि एक सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस पे गया, यहाँ से रिजेक्ट किया तो मार्केट नीचे आया, और सपोर्ट पे रिजेक्ट किया तो फिर रेसिस्टेंस पे गया। अभी जो रेसिस्टेंस है, यानी जो लेवल है 41483 के ऊपर, जब भी निफ्टी क्लोज बैंक निफ्टी क्लोज देगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। नीचे वाला लेवल है 4827, ये लेवल इसके नीचे अगर क्लोज दिया तो ये टाइम नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट किया। तो ये रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है कि ये रेंज हम लोग देख रहे हैं। और डोजी कैंडल का लो और हाई ये इंपॉर्टेंस होता है। अगर समझो 41050 ये लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट मंडे को,
तो ये बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा। ऊपर वाला अपना लेवल है 41,483, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है, 41,860 का लेवल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, मीडियम टर्म साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव अगर होता है तो ये दो लेवल है, ये लेवल के नीचे थोड़ा अगर क्लोज देना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी आ सकती है। तो फिलहाल हमारे लिए न्यूट्रल है और बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर ब्रेक हो जाए, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है। 5 मिनट पे हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखोगे दोस्तों, फ्राइडे को देखिए मेरा लेवल है और इंटरनेट का देखो प्रॉपर हैमर आया था और हैमर से ये रिवर्स हुआ है। तो देखिए अपने लेवल कितने अच्छी तरह वर्क करते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक दे दो और अपना वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो इतने अच्छे लेवल में आपको दे दूंगा और मुझे जो कि मोटिवेशन भी मिलेगा, तो मैं इतने लेवल अच्छे आपको देता हूँ जहाँ से अपना पूरा रिवर्सल होता है डे का। तो इसलिए अपने वीडियो जो है कि ज्यादा ज्यादा देखने भी चाहिए दोस्तों। तो अभी अपना नेक्स्ट क्या लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, 41,345 ये जो लेवल है मंडे के लिए, इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग कर सकते हो। और सेलिंग के लिए हम लोग डेली का लेवल लेंगे 41,171, ये जो अपना नीचे वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, इसके नीचे जाता तो सेलिंग करेंगे, क्योंकि देखिए ये लेवल भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हमको ये देखना है प्राइजेशन में कौन से लेवल वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, तो गैप डाउन में आपको देखना है कि फिर से बाइंग का कुछ ऐसा कैंडल बनता है तो हमको बाइंग ले सकते हो, क्योंकि ऐसा कैंडल बनता है तो आपको टॉप लॉस भी मालूम है और उसका एक्शन भी मालूम है, आपको बाय करना है, नेक्स्ट लेवल तक ये जा सकता है। और गैप अप खुलता है तो सेलिंग का अगर ये आता है तो सेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लेवल इंपॉर्टेंट है, मंडे को क्या मार्केट कहाँ खुलता है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, अपना ट्रेड आप लेवल के ऊपर ले लो। दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे जिनके बारे में आपने मुझे पूछा है। तो मुझे पहले यूएनडी आईएनआर के बारे में जो है मुझे पूछा है मनोज जी करके उन्होंने। तो यूएनडी आईएनआर का जो है फ्यूचर रहता है, तो फ्यूचर का रेट चेंज भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर लिया है यूएनडी आईएनआर का 25 नवंबर का। अगर हम लोग इसको रेट करेंगे तो देखें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट लेवल है और यही लेवल पे अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। 82-10 अगर ब्रेक करता है तो डाउनसाइड आ सकता है, नेक्स्ट लेवल हो सकता है इसका जो है कि 81-54 और 83-17 ये ब्रेक करता है तो ये बड़ा रैली हो सकता है, यानी थोड़ा और भी ये ऊपर जा सकता है। क्लियर कट ट्रेड है, यहाँ दो रेंज के बीच में मार्केट है, ये लेवल देख के आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सिक्वेंट जो है कि इसके बारे में मुझे पूछा है जॉर्जी करके उन्होंने। अगर एक स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी है इसमें, तो जो है कि लोअर हाई मार रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे नजदीक का हाई यहाँ पे, जब ये नजदीक का हाई ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत अच्छा बाइंग भी आ सकता है। 113-355 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो। अभी ये लो सपोर्ट लेवल से यहाँ पे कवर हो रहा है, अगर बाइंग क्या होगा तो 97 का टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है मुझे पूछा है डिविज लैब के बारे में जो है कि अध्ययन करके उन्होंने। तो डिविज लैब का अभी चार्ट देखेंगे, तो डिविज लैब का हम लोग चार्ट देखते थोड़ा क्लीन करके यहाँ पे देखेंगे। तो ये थोड़ा साइडवेज में है और एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग साइडवेज रेंज भी देखेंगे तो ये लेवल के ऊपर एक क्लोज नहीं हुआ है, 13850, इसका एक रेसिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट अभी रिसेंट सपोर्ट जो है वो है उसको 3539। तो इसका अगर आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में बाय करना है तो 3850 के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क के बारे में मुझे पूछा है वो है तालुकेदार जी करके उन्होंने। ग्लेनमार्क में आप देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और उसका ब्रेकआउट भी हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कभी कभी रिट्रेस भी करता है, तो मार्केट को ये अब अगर अभी भी बाय करते हो तो ये लेवल का आपको टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिट्रेस होके ऊपर जाता है तो आप रिट्रेसमेंट के लिए देख सकते हो। रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हो सकता है, कभी अगर जल्दी आता तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो सकता है, तो वो लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो। यानी कि इसमें अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है और मैंने ट्रेंड लाइन भी लगा तो उसका ब्रेकआउट भी था। 400 का अगर आपको टॉप लॉस लगा के अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी आप बाय कर सकते हो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद, तो भी यहाँ पे चल सकता है।
SBI का रिजल्ट है। और दोस्तों मैंने SBI लास्ट टाइम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग को दिया था और अपना 1% का टारगेट भी हुआ। SBI ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है कि परफॉर्म किया है रिजल्ट के पहले। अभी कल क्या रिजल्ट लगता है उसके पहले हम लोग देखेंगे इसके चार्ट। तो अभी SBI जो ऑल टाइम हाई है तो ऊपर का लेवल हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन 597 के ऊपर अगर जाता है तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर रिसेंटली 587 के नीचे आता है तो थोड़ा सा नेगेटिव है, या फिर नीचे बाउंस बैक अगर नेगेटिव होकर नीचे आता है तो 565 का एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है ये लेवल पे तो भी बाइंग कर सकते हो। तो SBI का रिजल्ट है तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लेवल रिकमेंड कर रहा हूँ, बाइंग है सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर इसमें ट्रेड करना। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में ऐसे स्टॉक चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ सीखना है तो आने वाले सैटरडे को जो कि हमारा एक फ्री वेबिनार है अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और मेरे साथ 2 घंटा टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। और आपको मेरे साथ फुल फ्लेज कोर्स करना है तो 14 तारीख से हमारा एक लाइव मार्केट कोर्स शुरू हो रहा है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रहेगा। उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो दिए गए नंबर को पूरा मुझे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।